सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाड़ा स्वागत है साडे चैनल दे उत्ते। उम्मीद करदा कि तुसी सारे जाने ठीक होवोगे। तो दोस्तों, अज नवी वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका विषय है कि सदाबहार का बूटा कलम राही किवें लगाया जा सकता है। इस बूटे का अंग्रेजी नाम विनका है ते इस दे आम नाम बारह माह भी लिया जाता है, क्योंकि यह बूटा तुहानू साल के 12 महीने ते 30 दिन वधिया फुल देवेगा। इस दे बहुत संघने फुल लगते हैं ते बूटे नूं तुसी घरे लगा सकते हो ते घरे लग्या बहुत ज़्यादा सोहना लगता है। यह बूटा नर्सरी ते तुहानू 3-4 वैरायटियां दे विच मिल जाएगा। चिट्टे फुल्लां वाला देसी नसल का है ते आह जामणी फुल्लां वाला जिहड़ा यह अंग्रेजी नसल का है, जिवें कि तुसी देख पा रहे हो। तो मित्रों, कलम राही इस बूटे नूं गमले विच लगाया जा सकता है। तो हुण आपां देखांगे कि इस नूं कलम राही किवें लगा सकते हैं। इस बूटे नूं आपां इस दे बीजां राही भी लगा सकते हाँ। आप जिवें कि तुसी देख सकते हो कि इस बूटे उत्ते ना फलियां लग जांदियां ने, ते इन्हां फलियां दे विच इस बूटे दे बीज हुंदे ने। ते जदों इह फलियां पक जांदियां ने तां इन्हां विचों इस दे बीज नूं कढ़िया जा सकता है। जिवें कि तुसी देख पा रहे हो, इह फलियां दे विचों इस दे बीज हुंदे हन। नहीं तो इस दे जिहड़े बीज ने वह आप दे आप ही नीचे गिर जाते हैं। तो तुहानू इह जिहे अनेक ही बूटे तैयार मिल जाएंगे जिन्हां नूं कि तुसी खुंघ के किसी होर बूटे दे गमले दे विच लगा सकते हो। तो कलम लाने वास्ते तुहानू की है जो कि जिहियां डाणियां लैनियां हन, हुण आपां उसकी गल करते हैं। तो तुहानू नवीआं डाणियां जिहड़ियां है उन्हां तों कलम तैयार करनी है, क्योंकि ये नवीआं डाणियां दे विच है जिहड़ियां जड़ां छेती लग जांदियां हन, जबकि पुरानी टाणी जड़ां लाउण विच टाइम लगा दिंदी है ते बूटा बहुत लेट तैयार हुंदा है। ते कलम दी लंबाई जिहड़ी घट तों घट 5 इंच रखनी है आपां ने। ते इस बूटे दे जिन्ने टूसे आपां वढ़ांगे उन्ना ही तुहाडा बूटा जिहड़ा संघना होवेगा ते ज़्यादा सोहना लगेगा। इसलिए इस दी है जो टाणियां वढ़नियां उंज भी बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदियां हन, क्योंकि जदों आपां इस बूटे दा टूसा वढ़ दिंदे हां तां एक टाणी दे विचों 2 टाणियां बाहर निकल के आउणगियां, जिस नाल तुहानू होर फुल इस बूटे उत्ते मिलणगे। ते हुण आपां इस कलम नूं लगाउण दे ढंग दे बारे देखदे हाँ कि इस नूं किस तरह आपां गमले दे विच लगाइए। तां सब तों पहलां कलम तैयार कर लो। तुसीं कलम तैयार करन दे लई तुहानूं कि इस दे सारे पत्ते तुसीं हटा देने आ, इहदे सिर्फ उपरले 2-3 पत्ते ही रखने ने, क्योंकि ज़्यादा पत्ते होण कारण कई बार अपनी कलम है जिहड़ी सुक जांदी है। तुसीं सारे पत्ते हटा दिओ इस दे। पत्ते हटाउण दे बाद तुहानू इस दे जो नीचे वाले हिस्से दे उत्ते एक 45 डिग्री दा इक सानू कट लाउणा है, क्योंकि जिहड़ियां नवीआं जड़ां होणगियां उह इत्थों ही निकलणगियां, ते जे अगर कट लग्गिया होवे तां जड़ां नूं निकलण दे विच आसानी हो जांदी है। तां इक तुसीं बहुत शार्प जिहड़ा कट ला के रख देणा है, जिस नाल तुहाडा इह कलम दी जिहड़े चलण दे जिहड़े चांस हैगे उह वध जाणगे तुहाडे। तां इस नूं लाउण वेले तुसीं इस दे नीचे जिथे आपां कट लाया उत्थे कोई भी तुसीं रूटिंग हारमोन भी लगा सकते हो, है ना, जां तुसीं इत्थे दालचीनी दा पाउडर लगा सकते हो, ते नहीं तुसीं इत्थे एलोवेरा जैल दा भी इस्तेमाल कर सकते हो। वह भी एक तरह का बहुत वधिया रूटिंग हारमोन अपना है कम करता है। तां इस नूं तुसीं लगाउण दे लई तुसीं की करना, 2 इंच डूंघा जिहड़ा है मिट्टी दे विच लगा देना है। ये जिहड़ी मिट्टी आपां इहदे विच वरतों दे विच लै रहे हां ये बहुत पूली होनी चाहीदी है, तां इहदे विच पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहीदा। अगर जे तुहाडी मिट्टी दे विच पानी रुकेगा तां तुहाडियां जिहड़ियां कलमां ये गल के जिहड़ियां मर जाणगियां, ये कदे भी तुहाडियां जड़ां नहीं ला पाउणगियां। इस लई तुसीं मिट्टी नूं बहुत तुसीं वैल ड्रेनिंग रखना गा। जे तुसीं देखना चाहुंदे हो भी ये मिट्टी नूं आपां किवें तैयार करिए, तां तुसीं साडे चैनल दे उत्ते जाके देख सकदे हो। तुहानूं बढ़िया वीडियो मिल जाएगी जिहदे नाल तुहानूं है कलमां लाउण दे विच जिहड़ी आसानी होवेगी। तो कलमां नूं लाउण तों बाद इहनूं आपां बहुत वधिया पानी देना है, भर के पानी देना है एक वारी, ते दूरी वार इहनूं पानी उदों ही देना है जदों कि इहदी उपर वाली मिट्टी सुक जाए। कलमां नूं लाउण तों बाद इहनां नूं कि तुसीं छां वाले एरिए दे विच रख दो, जां तुसीं अपने दूसरे बूटियां दे थल्ले रख दो जिथे बिल्कुल भी धुप ना जाए, क्योंकि जे ते तिखी धुप जाएगी तां तुहाडियां कलमां जिहड़ियां सुक जाणगियां।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।